हमारा नॉर्मली घर पे यूज होता है, और हमने जैसे कहीं मतलब सप्लाई देखना है और वायर छोटा पड़ गया तो हमको इसको ज्वाइंट करते हैं। ऐसे हम नॉर्मली ऐसे लपेट के कर देते हैं तो वो हमारा स्पार्किंग के काफ़ी डर रहते हैं, इस वजह से हम इसको ज्वाइंट करते हैं। ये जो हमारे मतलब प्रोसीजर में जो हमारे टूल्स हैं, हमने मार्कर, स्केल, प्लायर, वायर स्ट्रिपर, स्केल एंड पूरी टूल किट का हमने यूज़ किया है। कि हमने 4 mm का वायर लिया है जो कि 4 square mm का वायर लिया है जो कि सिंगल बोर्ड का है। इसे हमने मार्किंग करके 12 cm का वायर हमने काट लिया है इस प्रकार से, जैसे एक वायर हमने ये काटा है। काटने के बाद हमने इंसुलेशन हटाया है जो कि इस प्रकार हमने मेजर करके इसका इंसुलेटर मतलब लेसन हटाया है, और हम इसे मेजर करके मार्किंग करेंगे 3 mm। जैसे देखिए हमने मार्किंग कर लिया है और दोनों, तो अब हम इसे कैसे मतलब ज्वाइंट करेंगे, हम इस मार्किंग के पास रखेंगे और 30 डिग्री पे रखेंगे ताकि हमारा, अब हम इसे मतलब एक बार घुमाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम इसे मतलब ऐसा घुमाएंगे कि हमारा मतलब बीच में जगह न छूटे, ताकि हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप ना हो और हमारा जो करंट है आसानी से फ्लो हो सके। इसे एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस वायर को क्लॉकवाइज और इस वायर को एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, जैसे ये देखिए, और इस वायर को हम 5 या 6 मोड में घुमाएंगे ताकि हमारा जॉइंट अच्छे से हो सके। Thanks.